हे हेलो माय लव्स, तो हैप्पी राखी हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको मेरी तरफ से। गाइस, आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके जो भी गेस्ट है या फिर आपके भाई है उन्हें जरूर इम्प्रेस करे। एंड इट्स नो मैदा, जो मैदा लवर्स है उनके लिए भी रेसिपी आ रही है, जस्ट स्टे ट्यून गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बासुंदी के, इवन यू कैन से रबड़ी के। तो गाइस सारे मेजरमेंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट कमेंट में मैं सारे मेजरमेंट्स पिंग भी करूँ। जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ना, सारी डबल है, और मैं आपको जो कमेंट सेक्शन में दूंगी वो सिंगल होगी। जैसे 1 कप होगा तो आपको 2 कप यूज करना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने मिक्सी में मैंने शुगर लिया, उसे मैंने पाउडर कर लिया, फिर मैंने सूजी ली है। सूजी को नहीं भी चर्न करोगे तो भी चलेगा, या फिर बारीक यूज कर लो। देन मैंने ऐड कर दिया इसमें मिक्सिंग बोल में, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये बासुंदी मिक्स पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर लीजिए, बट ये मैंने ना हाफ ऐड किया, हाफ मैंने ना बासुंदी बनाने के लिए ऐड किया। आप एक्चुअली पूरा ऐड करोगे तो बेटर रहेगा। मैंने काजू और बादाम चॉप करके वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ी सी ज्यादा ही करी क्योंकि इंडियन फ्लेवर, तो थोड़ी सी इलायची पाउडर ज्यादा रहेगी तो भी अच्छा ही लगेगा। 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है, एंड उसको कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ऐड करना है, रेगुलर रिफाइंड ऑयल ऐड करना है, बटर या घी भी यूज कर सकते हो। यहाँ 2 टीस्पून के अराउंड वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है। दूध ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं 1 कप मिल्क इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रेस्ट करने देंगे अराउंड 30 मिनट मिनिमम। उसके बाद ये फाइनल है हमारा स्टेप, दही ऐड करना है। तो ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दही ऐड किया है, 1/4 कप से 1 कप के बीच में। एंड मैं ना पिस्टैचोस भूल गई थी तभी, तो इसलिए मैंने थोड़े से पिस्टैचोस ऐड किए, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। और इस पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से एंड या फिर बटर से, आप कर सकते हो। और पोर कर दिया हमारा केक बैटर। माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए, और अभी मैं इसे 220 पे बेक कर रही हूँ। आप 210 पे भी बेक कर सकते हो फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद जब मैंने चेक किया तो नाइफ क्लीन नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने 5 मिनट और बढ़ा दिए, तो 45 मिनट्स अराउंड मैंने इसे बेक किया। एंड फिर मैंने इसे निकाला, उसे मैंने रख दिया है ठंडा करने के लिए। ऊपर से आप कोई भी कॉटन का कपड़ा जो होता है वो बिछा दीजिए और उसे कूल होने दे दीजिए। एंड फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे बासुंदी, एंड उसके लिए ये हाफ जो पैकेट है ना इसमें से मैंने यूज किया है। तो ये फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, ये 1.25 लीटर के करीब था, तो वो लेके मैंने उसमें ऐड किया बासुंदी मिक्स है वो, और फिर मैं मिक्स कर रही हूँ इसे। इस पे लिखा रहता है सिर्फ यही ऐड करना है, बट स्टिल मैंने थोड़ी सी शुगर और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता इस पैकेट में, तो ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद इसका लुक ऐसे दिख रहा है गाइस। एंड थोड़ा सा मैंने निकाल लिया एकदम थिक रबड़ी होने से पहले, क्योंकि मुझे केक पे उसे पोर करना है। केक हमारा देखिए ठंडा हो गया है और नाइफ जो है क्लियर निकल रही है एकदम, तो ये ऐसे दिखनी चाहिए। मैंने फोक से सारे केक में ना होल्स प्रिक किए थोड़े थोड़े से, जिससे हम जो मैंने जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने मिल्क थोड़ा सा निकाल लिया, मैंने उसे पोर किया है इस केक पे, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने स्प्रेड की हमारी जो थिक रबड़ी होती है ना वो वाली, और उसके बाद मैंने पिस्टैशियो से गार्निश कर लिया है। और ना गाइस कट्स आप थोड़े से बाद में लगाइए, पोर कर दीजिए अपनी रबड़ी। आप इसे चिल्ड सर्व कर सकते हो, आप इसे वार्म सर्व कर सकते हो। रबड़ी थोड़ी सी नॉर्मली होनी चाहिए, मैंने हीट कर ली थी क्योंकि थिक थी इसीलिए, और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था क्योंकि मैं इस पे पोर करना चाह रही थी। तो ऐसे आप इसे सर्व करिए और गाइस जरूर ट्राई करिए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। गाइस मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।